लगातार सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मेरे सहयोगी फिलहाल लेकर पहुंच चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और आज बहुत बड़ा दिन था किसान आंदोलन को लेकर के कि प्रधानमंत्री मोदी आए सुबह अपने संबोधन में बोले थे नेकलाइन पीछे की तरफ एक साल से बात कर रहा था उन्होंने वापस लेने का फैसला कर लिया है और इस पर हमारे सहयोगी विशाल किसानों के बीच मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे। विशाल क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे, क्या कुछ मिल रहा है आपको? उज्जवल मैं बताना चाहूंगा, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ यार। यहाँ पर जो किसानों का जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से किसान यहाँ पर मिठाई एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाने के साथ ही ट्रैक्टर पर यहाँ पर एक तरीके से मतलब अपना उत्साह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर गानेबाजी के साथ अभी थोड़ी देर पहले जो किसान थे वो यहाँ पर आतिशबाजियां भी कर रहे थे और लगातार जो किसान यहाँ पर मौजूद थे जो गाजीपुर बॉर्डर पे इतने महीनों से साल भर से जो डटे हुए थे वो अब ट्रैक्टरों पर बैठ बैठ कर वो अब यहाँ पर रैली के एक तरीके से रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये हमारी जीत हो चुकी है और मोदी सरकार को झुकना पड़ा है किसान आंदोलन को लेकर। तो कहीं ना कहीं विशाल ये आंदोलन आपको क्या लग रहा है, किसानों से जो बात हुई आपकी वो क्या कह रहे हैं, ये आंदोलन वापस लेंगे घर को लौटेंगे या अभी कुछ आगे भी उनकी मांगे हैं जिनको लेकर के वो भी बैठेंगे और उन मांगों को करवाएंगे? देखिए चल मैं बताऊँ आपको कि अगर हम ये सवाल करें कि किसानों से कि क्या अब आप घर चले जाएंगे कि क्या आप गाजीपुर बॉर्डर या जितने भी तमाम दिल्ली के जो बॉर्डर थे क्या आप उनको खाली कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राकेश जी कहते हैं सुबह ही ये ट्वीट करके जानकारी दी कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कृषि कानून बिल को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया, लेकिन ये बिल तब हम मानेंगे कि ये वापस हो गया जब ये संसद में जहाँ इसको बनाया गया था, जहाँ से इसको लाया गया था, जब वहीं से इसको पूरी तरीके से रद्द किया जाएगा। दूसरी चीज जो किसान नेता राकेश टिकैत ने कही, उन्होंने ये कहा कि जब इस तरीके से तीन कृषि कानून बिलों को वापस ले लिया गया, किसानों की बात हम समझते हैं कि मान ली गई, लेकिन MSP और जो किसानों के जो बाकी बचे हुए मुद्दे हैं उन पर भी बात की जाए, सरकार उन पर भी बात करे और हमसे आकर के उन जो बचे मुद्दे हैं MSP को लेकर के और इन सब पर बात की जाए। तो इसी तरीके से जो बाकी यहाँ पर किसान है उनका भी यही कहना है कि भले ही किसान जो कृषि कानून बिल थे उनको वापस ले लिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया इस बात का, लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से औपचारिक तौर से इसको रद्द करने का ऐलान नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और MSP जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है किसानों के लिए उसको लेकर के लोग काफी नाराज है आज भी। इनका कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि कृषि कानून बिलों को वापस ले लिया गया, लेकिन जो MSP जिस पर हम इतने टाइम से अड़े हुए हैं उस पर भी कानून लाया जाए और उस पर भी बातचीत करे सरकार। ठीक है विशाल, तो आप वहाँ से हमें जो भी अपडेट हो वहाँ से बताते रहिए। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत खुशी का माहौल है। किसान संगठनों में जो भी किसान आंदोलन पर बैठे हुए थे उनमें बहुत उत्साह है, उनकी मांगों को सरकार ने अब माना है और आखिरकार उनको वो कृषि कानून जिसके लिए वो इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1.5 साल से उनके कई साथी शहीद भी हुए हैं और कई सारी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने वहां पर आंदोलन किया और उसके बाद अब सरकार को झुकना पड़ रहा है। तो विशाल आगे की अपडेट जो भी हमें बताइएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे और फिर कोई अपडेट होगी तो आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया विशाल।